हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक लॉज ऑफ मोशन के 5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए। एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको देख लेना। फ्रिक्शन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से। अगर ये चैप्टर आते हैं तो इनसे डेरिवेशन भी लगते हैं और इनसे मेन मेन पॉइंट्स भी समझ में आ जाते हैं। एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूं, वैसे तो लास्ट में तुम्हें अच्छे से मिलेगा। कभी मोड़ आता है तो स्कूटी वालों, बाइक वाले या साइकिल वालों को देखा है, हल्का सा झुक जाता है। कभी कभी फ्लैट भी हो जाता है। गए ज़्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में, झुक गए, ज़्यादा झुक गए, खेल ख़त्म। बेसिकली वो साइंस का नहीं होता। आज तुम साइंस में हो तो तुम्हें पता करना है कितने एंगल से अपनी स्कूटी को झुकाना है जिसमें स्टाइल भी मेंटेन रह जाए और तुम गिरो भी ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंक्ड रोड के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, केवल आज 2 पॉइंट पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। सबसे पहली चीज़ तो एंगल ऑफ बैंकिंग होती किस क्या है, किसे कहते हैं हम एंगल ऑफ बैंकिंग। बेटा रोड में कहीं भी जब कर्व आ रहा हो, घुमाव आ रहा हो, तो तुम देखोगे कि उसकी जो आउटर एज है वो हल्का सा ऊपर है और इनर एज है जो हल्की सी नीचे है। बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट है, आज उस कॉन्सेप्ट को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। बेटा बड़े आराम समझना। द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। आउटर एज जो होता है वो इनर एज से जितने एंगल से उठा हुआ होता है उसको आप कहते हो एंगल ऑफ बैंकिंग। ये कभी भी देखना, जहां पे रोड में मोड़ आ रहा होगा, घुमाव आ रहा होगा, वो सड़क क्या की जाती है, एक तरफ से थोड़ी सी उठा दी जाती है और दूसरी तरफ से हल्की सी नीचे रखी जाती है। लेबर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो यार साइंस के नहीं होते तब भी वो ये काम करते हैं, वो जानते हैं, और हम होते हुए भी नहीं जानते। तो वहां पे कार का मोशन होना है। सोचो अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। अगर ऐसा ना होता, कार मोड़ते, स्कूटर मोड़ते, बाइक मोड़ते, तो मोड़ के टाइम में हल्का सा बेंड होता है, और वो बेंड होता तो आपकी जो कार होती है वो पलट जाती, कंसेप्ट खत्म। तो आज हमें वही टॉपिक पढ़ना है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। एंगल ऑफ बैंकिंग समझ आ गया, जो रोड का आउटर एज इनर एज से जितना झुका हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो चलो सर्कुलर मोशन ही स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा हमने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। मान लो कोई रोड है, वो हल्की सी उठी हुई है, एक तरफ से बैंक्ड है। अच्छा, कईयों को तो बैंक मतलब किनारे ही समझ आ रहा होगा, हाँ वहीं से भी ले सकते हो। मान लो ये एक कॉन्सेप्ट है, देखना बहुत तमीज में समझना। ये चीज, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, थीटा एंगल से एंगल ऑफ बैंकिंग बना रही है। ये ऐसे है रोड, ये चीज, ठीक है, मजा आ रहा है। यहाँ पे हमारी कार है। यार देखो मेरी ड्राइंग तो थोड़ी सी खराब है, इसे कार मान लो, मान ले कार है, ठीक है। इसका सर्कुलर मोशन कराना है, और कार तो बड़ी धमाकेदार बनी, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ये कार है, सर्कुलर मोशन ऐसे होना है। सोचो तो मोड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, मजे में समझना। कितने फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहला जो फोर्स लगेगा, पहला फोर्स वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड लगना चाहिए, mg लगा दिया। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R, वर्टिकल के साथ उतने ही एंगल से जितना ये झुका हुआ है, ये देखो थीटा एंगल से नॉर्मल रिएक्शन R आ गया। तीसरा फ्रिक्शन भी तो काम करेगा, यहाँ पे रोड है, फ्रिक्शनलेस थोड़ी बना दोगे, धरती माता मैम कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो फ्रिक्शन होगा, अगर ये ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, ये खिंचता हुआ आया आपका फ्रिक्शन। चलो इसको यहाँ कहीं मान लो, ये देखो
अगर मैं देखूं तो इसको ये हम एक फ्रिक्शन दे देते हैं, ठीक है, इससे ये थीटा एंगल, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हमने फ्रिक्शन कह लिया। बात समझ आ गई? तो कितने फोर्स लगे बताओ? बेसिकली तीन फोर्स। कितने फोर्स लगे? तीन। वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन आर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से, और फ्रिक्शनल फोर्स। हमें चाहिए स्पीड ऑफ द कार। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, डिराइव द स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर मोशन इन अ बैंक्ड रोड या ऑन अ बैंक्ड रोड। चलो ठीक है, कई सारे मेथड है, इजिएस्ट मेथड उठाते हैं। आर के कितने कॉम्पोनेंट रिजॉल्व होंगे? दो। कौन कौन से? साइन कॉम्पोनेंट, कॉस कॉम्पोनेंट। कॉस कहाँ जाएगा? थीटा के साथ। साइन कहाँ जाएगा? थीटा के दूर। तो आर का जो कॉस कॉम्पोनेंट आएगा वो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा, आर साइन थीटा आएगा, ठीक। फ्रिक्शन देखो ये जा रहा है, ये तो क्या, इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बने, कौन कौन से? ये बना एफ कॉस थीटा और ये बना एफ साइन थीटा। चलो इसको यहाँ दिखाते हैं, अगर यहाँ दिखाऊं तो ये देखो, ये आया एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा, एक प्रजाति मिली थी हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में काम करता है तो उस पर एक ऐसा फोर्स जिसके सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे बेसिकली वो काम क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल जो बचाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लग रहा होगा? ये लग रहा होगा, और इसका नाम क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस से कर्व उठा हुआ है। तो फोर्सेस का रिजोल्यूशन समझ आ गया आपको? देखो तो थोड़ा सा खराब बन गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खराब है, फिर भी आर कॉस आर साइन एफ कॉस एफ साइन। अब एट इक्विलिब्रियम बचाना है उसको, तो अलोंग वर्टिकल, अगर अलोंग वर्टिकल फोर्सेस देखता हूं मैं तो क्या क्या लगा? आर कॉस थीटा किसके इक्वल आया? एम जी प्लस एफ साइन थीटा आया, ठीक है भाई। आर कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा नीचे आ रहा है। अच्छा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अगर ये बना चुके हो या समझ गए हो तो इसको हटा दूं। चलो इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो इतना समझो, अब कुछ नहीं है बेटा, फिजिक्स खत्म, मैथ लगेगी। सॉल्व करके आपको वी निकालना है, ठीक है, वी निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एफ इक्वल म्यू आर। आर किसके बराबर है? एम जी के। आर एम जी के बराबर है तो एफ इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे? म्यू एम जी। कैलकुलेट करेंगे तो एक काम करो, फर्स्ट से आर निकाल लो, सेकेंड पुट कर दो। फर्स्ट से आर निकाल के सेकेंड पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ की जगह इसकी जगह म्यू आर साइन थीटा। ना निकालो तुम एम जी, एफ इक्वल म्यू आर ध्यान रखो बस, ज़्यादा ज्ञान ना लगाओ, है ना, म्यू आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल क्या आ गया? एम जी। आर कॉमन लेके कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल एम जी, तो आर क्या आ गया? एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आर मिल गया हमको, ठीक। सेकंड में आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर निकालते हैं फ्रॉम सेकंड, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर। आर कॉमन लिया,
आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, यहाँ जगह मिल रही है, थोड़ा सा यहाँ काम कर देते हैं। इस आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फ्रॉम 3rd and 4 एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऊपर क्या है आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। भाई एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर ऊपर ले जाओ तो वी स्क्वायर आपको क्या मिला, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब अगर हमें टैन बनाना है, देखो डायग्राम आपका हो चुका तो डायग्राम मैं मिटाई दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए जगह होनी चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, इसको टेन बनाना है साइन को तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कॉस से पूरी इक्वेशन डिवाइड करो और बोलो, पढ़े लिखे हो थोड़ा सा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो वी इक्वल क्या आ गया अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये होता है बैंक्ड रोड में कार की वेलोसिटी, वी इक्वल आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वर्ड समझ आ गया, ठीक है, अच्छा लगा, क्लियर समझ आ रहा होगा, एक एक लाइन आप लोग नोट कर लेना। केस लगाते हैं, स्पेशल केस, मान लो फ्रिक्शनलेस रोड है, तो इफ रोड इज फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आपके पास जीरो है, म्यू जीरो है तो इक्वेशन में म्यू जीरो पुट करो, अंडर रूट आर जी जीरो प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस जीरो, तो वी इक्वल क्या आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बेटा ये मैक्सिमम ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है, अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो कार तुम समझ रहे हो कहाँ जाएगी, है ना, फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में मिलेंगे कार वाले के साथ। कंडीशन समझो, अगर आपकी बैंक रोड है तो सर्कुलर मोशन में पहली बात तो आपकी जनरल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v इक्वल आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमें मैक्सिमम ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए तो मीन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या हुआ, म्यू जीरो हो गया, पूरी इक्वेशन में आप म्यू जीरो पुट कर दो, ठीक। तो पूरी इक्वेशन में अगर मैंने म्यू जीरो पुट किया तो मेरे पास v इक्वल क्या आ जाता है, आर जी टेन थीटा। ये तो रहा बेटा बैंक्ड रोड पे सर्कुलर मोशन ऑफ द कार। अब हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कभी साइकिल चलाई है, चलाई होगी, जिन जिन्हें चलाई है बताना जरूर किस किसने चलाई है, अच्छा, या फिर कभी स्कूटी बाइक चलाई होगी, यार ऐसी बात थोड़ी है। तो जब मोड़ आता है तो आप अपने आप को हल्का सा झुका लेते हो, अच्छा, क्योंकि रोड ही ऐसी बनी होती है। तो रोड क्यों बनी होती है, तो मैं आपको बता चुका कि रोड इसलिए बनी होती है। अब हमें यूज करना है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। मोड़ आने पे साइकिल वाला अपने आप को क्यों झुकाता है, हल्का सा अपने आप को बेंड क्यों करता है, कंडीशन समझनी है। तो देखो बेटा बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से साइकिल से जा रहे थे, हल्का सा तुम झुक गए, ज़्यादा झुक जाओ तो क्या होगा, जूम, कम झुको तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो कभी स्किड स्किड मत मारना बेटा, मोड़ आ जाए तो
जानलेवा बीमारी है ये। मान लो हमने एक एक्सिस मार्क की, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मीन ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ये है कोई साइकिल वाला, ये बेटा ये साइकिल समझ लो हरकुलिस हमारे टाइम वाली, आजकल तो रेंजर साइकिल्स आ रही है ना। अरे यार साइकिल बड़ी महंगी हो गई यार, साइकिल लेने क्या, हमारे टाइम में तो यार वो एक ही टाइप की साइकिल आती थी, वो 22 इंची 24 इंची, बस ये तो 22 इंची ले लो या तो 24 इंची ले लो। अब यार साइकिल पे वैराइटीज़ है, अच्छा गियर वाली चाहिए, शॉकर वाली भी चाहिए, ऐसे हैंडल वाली चाहिए, उससे सस्ती तो यार मोटरसाइकिल आ जाएगी, लेकिन चलो झुकेगी तो वो भी झुकाएंगे, और पता उसमें कैरियर भी नहीं, मान लो गेहूँ पिसवाने हो, आटा वाटा लेके आना हो, उस साइकिल की तो औकात ही नहीं यार, उससे सही तो हमारी वाली होती थी, 4-5 किलोमीटर लेके चले जाते थे भाई 40 किलो की बोरी गेहूँ की, पिसवा के चले आए, न जाने क्या क्या काम किया, लेकिन मोड़ आने पे हम भी झुकते थे, तो वो मोड़ जो आया हम झुकाएंगे। मान लो खैर तो मजाक था, ये वर्टिकल से थीटा एंगल आपका साइकिल वाला झुक गया, कितने एंगल झुक गया, थीटा एंगल, ये देखो ये साइकिल वाला है, ये हम ही मान लो, मुझे ही मान लो, तो इसका वेट कहाँ जाएगा, मेरा वेट वेट जाएगा ये जूम एम जी, आर कहाँ जाएगा, आर क्योंकि मैं ऐसे था वैसे हो गया, तो मेरा आर ऐसे चला गया, आर चला गया ये, अच्छा आर ये चला गया, तो ये तो वर्टिकल वाली लाइन है ना, ये वाली तो ये भी तो थीटा ही बनेगा, जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा भाई एंगल के हिसाब से, तो आर कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा, तो आर साइन थीटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा, जाएगा अगर ये जाएगा तो इसकी रेडियस होगी यार, ये आर रेडियस, मान लो आर रेडियस है इसकी, चलो ना बनाओ यार डायग्राम गंदा हो जाएगा, मान लो रेडियस आर है, ठीक है ना, ये आर रेडियस मान लो, तो आर साइन थीटा ऐसे झुका तो सेंट्रीफ्यूगल भी तो लगेगा कुछ, एम वी स्क्वायर बाई आर, कुछ नहीं करते ज़्यादा बात नहीं करते, वेट ऑफ द बॉडी नीचे, आर कॉस थीटा ऊपर, तो झुकते टाइम में आर कॉस थीटा किसके बराबर, एम जी के, आर साइन थीटा किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 से 1 को डिवाइड किया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, टेन थीटा इक्वल आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी, तो थीटा इक्वल आ गया टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर इतने एंगल से झुकोगे तब तो बच जाओगे, इससे ज़्यादा कम से झुके तो खेल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और मोशन ऑफ अ कार, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा थैंक यू।